हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसराइल यूट्यूब चैनल। यूट्यूब की तरफ से तीन अपडेट आए हैं और तीनों अपडेट, चाहे आप नए क्रिएटर हैं चाहे आप ओल्ड क्रिएटर हैं, सुनना काफी जरूरी है। याद रखने वाली बात है कि आपको कान खोल के सुनना है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि अगर अपडेट आप सही से नहीं सुन पाते और उसके बाद आपके साथ कोई कांड होता है, तब याद आता है कि अच्छा ऐसा भी कोई अपडेट आया था। आपको बता दूं कि आज मेरे पास कॉल आया था कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। भाई ने मेरे को कॉल किया, सीधा बोला इसरार भाई मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। मैंने पूछा कैसे, उसने बताया कि मेरा एक और चैनल था जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से चैनल टर्मिनेट हो गया और अब मेरा उसी ईमेल आईडी पे दूसरा चैनल था, वो भी टर्मिनेट हो गया। तो ये यूट्यूब की पॉलिसी है मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई भी चैनल कॉपीराइट की वजह से टर्मिनेट हो जाता है या किसी और रीजन से भी टर्मिनेट हो जाता है और उसी ईमेल आईडी पे आपका दूसरा चैनल है और वो साफ सुथरा चैनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाता है। इस अपडेट के लिए और इस तरह की वीडियो में 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को सही तरह से नहीं देखते या यूट्यूब के अपडेट आप नहीं देखते, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आप ही की गलती है। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कभी अपडेट आए तो वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अपडेट से ही पूरी बातों को पता चल जाता है कि कौन कौन सी पॉलिसी आ रही है और यूट्यूब क्या क्या करने वाला है। ये जो तीनों अपडेट है ये भी सुनना आपके लिए काफी जरूरी है। बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। ये बात हर वीडियो में बोलता हूं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों यार। अब बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। पहला अपडेट एक कमाल का और बेहतरीन अपडेट है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो कान खोल के सुन लेना, अगर आप एक व्यूअर है तो आपके लिए सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपको बता दूं कि इस अपडेट में यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में चेंज कर रहा है, खासकर सर्च इंजन में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में। वो क्या अपडेट कर रहा है दोस्तों, अगर कोई भी इस टाइम अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज पे टाइटल डालता है, टैग्स डालता है, डिस्क्रिप्शन डालता है और थंबनेल डालता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्रिएटर आपका बार बार पागल बना रहा है, यानी कि थंबनेल पे बार बार क्लिक बैट कर रहा है, ऐसे में जो व्यूअर होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये बंदा यार बहुत ज्यादा क्लिक बैट करता है और यूट्यूब भी इसकी वीडियो को पंप करता है। तो दोस्तों यूट्यूब ने यहां पे सर्च एल्गोरिदम में एक छोटा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जब भी कोई भी बंदा अपनी वीडियोस को अपलोड करेगा तो ऐसे में दोस्तों उसके चैप्टर जो डिस्क्रिप्शन के नीचे है वो वहां पे दिखाई देंगे, चैप्टर दिखाई देंगे, तो इसका मतलब जो कीवर्ड है, अगर आपने एक वीडियो के अंदर 5 टॉपिक कवर किए हैं, हाउ टू इंक्रीज व्यू, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो 3-4 अगर आपने यहां पे टॉपिक कवर किए हैं तो चारों पांचों टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर कोई बंदा थंबनेल पे क्लिक बैट कर रहा है, टाइटल में क्लिक बैट कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है इतनी नहीं रहेगी। ये यूट्यूब का कहना है, मेरा कहना नहीं है, यूट्यूब का कहना यह है कि जो भी सर्च रिजल्ट होगा, अब डिस्क्रिप्शन के जो चैप्टर्स होंगे उन पे कीवर्ड्स को फोकस किया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये यूट्यूब ने ऐसा काम किया है कि मतलब क्लिक बैट से बचने के लिए। ऐसे में दोस्तों यूट्यूब चाहता है कि जो वीडियोस के अंदर हो वो ही व्यूअर को दिखाया जाए, तो ये सब कबाड़ा, ये सब चीजें चेंज करने वाला है यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर। यूट्यूब, आपको बता दूं कि यहां पर थंबनेल का काफी मैटर है। थंबनेल पे अब हम अपने मन से थंबनेल लगाते हैं, कस्टम थंबनेल लगाते हैं, सुनने में ये आ रहा है और कहना पत्रकार जैसे कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से पता लगा है। तो आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स पे हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपने कस्टम थंबनेल को ऐड नहीं कर पाते थे, तो इस तरह से यूट्यूब भी जो वीडियोस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थंबनेल होगा उसी को आपके सामने हाईलाइट लेके आ जाएगा। जो क्लिक बैट का खेल चल रहा है यूट्यूब इसको खत्म करना चाहता है। यूट्यूब की यही एक एल्गोरिदम में काफी इंपोर्टेंट वाली बात है और चेंजेस है। तो इसीलिए भाई दोस्तों अभी से आप अपना काम बेहतर करना स्टार्ट कर दो, जो थंबनेल के अंदर है मतलब जो वीडियोस के अंदर है वही थंबनेल पे लिखने की कोशिश करो। क्लिक बैट सभी क्रिएटर करते हैं, बट हाँ अब हमें, हम लोगों सभी को सुधार करना चाहिए, ये
काफी अच्छा अपडेट है एक क्रिएटर के लिए, एक व्यूअर के लिए भी और पूरे यूट्यूब के लिए। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपको टैग्स नहीं लगाने हैं, टाइटल नहीं लगाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट और फैक्टर होता है एसईओ के अंदर, ये भी आपको लगाने हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चैनल म्यूजिक के रिगार्डिंग है तो आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक आ जाता है कि किसने सॉन्ग को कंपोज किया है, किसने डायरेक्ट किया है, कौन सा म्यूजिक है, कौन सी मूवी का है, कौन सी एल्बम का है। ऐसे में यूट्यूब का कहना यह है कि अगर आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से आप वहां पे कोई भी सॉन्ग अपनी मतलब कोई भी म्यूजिक अगर आप अपने वीडियोस में यूज करते हैं तो वहां पे एक एट्रीब्यूट की तरह आपको दिखाई देगा, इसी तरह सेम दिखाई देगा कि भाई ये वो वाला सॉन्ग है, इसका नाम ये है और इतने मिनट का है, सब कुछ आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि काफी सारे व्यूवर ये भी बोलते थे कि भाई कौन सा म्यूजिक यूज करते हो आप, इसका नाम बता दो, कमेंट ऐसे आते थे, तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। एक अपडेट और है जो कि आप सभी को पता चल गया होगा, अगर आप अपने YouTube चैनल को अंडर रिव्यू में भेजना चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीमेल आईडी की सेटिंग में जाना होगा और वहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर उसको आप ऑन नहीं करोगे तो ऐसे में आपका यूट्यूब स्टूडियो जो होता है वो आपको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये कंपलसरी है कि भाई आपको अपना जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन करना चाहिए। ये ऑन होगा आपकी ईमेल आईडी की सेटिंग में जाने के बाद में। आपको एक बात और बता देता हूं कि ये सब जो देख YouTube कर रहा है वो एक्चुअली में काफी सारे लोगों जो चैनल है वो डे बाय डे हैक हो रहे हैं, तो YouTube बिल्कुल नहीं चाहता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐड किया है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको सुन के काफी अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है और कोई भी अपडेट आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।